दिल्ली, पंजाब और अन्य प्रदेशों की तर्ज पर गरीब परिवारों के मासूम बच्चों को बहला फुसला कर नशे की लत लगाकर शहर में चोरी, भीख मंगवाने व कूड़ा बिनवाने का काम करवाने वाले गिरोह के करीब आधा दर्जन मासूमों को भीख मांगते हुए समाज सेवी व जागरूक लोगों ने काबू किया। पूछताछ में मासूमों ने बताया कि कुछ लोग जबरदस्ती उन्हें नशे की लत लगाकर पैसे के लिए उनसे तरह तरह के काम करवाते हैं। यहाँ तक कि इन मासूम बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। आज करीबन दोपहर 1:30 बजे के आसपास हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता ममता जी के माध्यम से फोन आया CWC पानीपत को कि करीबन 4 बच्चे संजय चौक पानीपत से उन्होंने रेस्क्यू किए हैं जो भीख मांग रहे थे। तो बातचीत के दौरान जब उनसे बात की सामाजिक कार्यकर्ता ने कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उनको थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि वो कुछ बता नहीं पा रहे थे ठीक से। तो ऐसी कुछ मंशा लगी उनके बच्चों के पीछे कि कोई ऐसा बड़ा आदमी या कोई सरगना इस गिरोह के पीछे और ऐसा काम करवा रहा है। तो उन्होंने तुरंत CWC पानीपत में फ़ोन किया और जैसे ही मुझे पता लगा मैं तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचा तो वहाँ 4 बच्चे हमने वहाँ से रेस्क्यू किए, जिसमें से एक लड़की है और 3 बच्चे कोंड से हैं और एक बच्चा पानीपत से है। तो अभी उन बच्चों का कहना ये है कि कोई पानीपत में व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं जो उन बच्चों से मारपीट करके, धमका करके उनसे चोरी चकारी का काम करवाते हैं और उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं। और दिन में बाकायदा इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बच्चों ने कितना कमा लिया, और अगर वो एक टारगेट के तहत नहीं कर पाते हैं तो उनसे ज्यादा मार पिटाई की जाती है। फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने इन बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।